भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार इतनी बेकाबू है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के 14वें संस्करण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है कि बीसीसीआई आईपीएल के बाकी मैचों को सितंबर में कराने पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि सितंबर महीने तक कोरोना की स्थिति ठीक हो जाएगी। क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विंडो की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि बीसीसीआई सीजन के बाकी बचे 31 मैचों के लिए सितंबर की विंडो पर तलाश रहा है। उन्होंने कहा, सितंबर की विंडो पर विचार किया जा रहा है, उस समय भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज भी खत्म हो जाएगी और विदेशी खिलाड़ी T20 विश्व कप के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि इस बीच आईपीएल के चेयरमैन विरजेश पटेल ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया है और कहा, अब हमें एक विंडो की तलाश करनी होगी, अगर हमें यह मिलती है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हमें यह देखना होगा कि क्या यह सितंबर में संभव है। हमें आईसीसी और अन्य बोर्ड की योजनाओं को भी देखने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, बीसीसीआई ने आईपीएल के 2021 सीजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मंगलवार को घोषणा की थी और यह फैसला सोमवार को आईपीएल बायो बबल में अधिक कोविड पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया था। हालांकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग और बीसीसीआई की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया था। फिलहाल आगे देखना होगा कोरोना की स्थिति सितंबर तक किस तरह से रहती है, उसी के बेसिस पे ये मैच भी कराए जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।